फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर, जो आज हमारे बीच नहीं हैं, आज 30 अप्रैल को उनकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। ऋषि कपूर के निधन की जानकारी सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने दी। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए लिखा और बताया कि वह चला गया, ऋषि कपूर चला गया, बस अभी गुजर गया, मैं ख़त्म हो गया हूँ। इसके साथ सभी फिल्म अभिनेताओं ने शोक जताया है। उनका 2 साल से अमेरिका में कैंसर का इलाज चल रहा था। अफसोस की बात है, हमने 2 दिन में अपने 2 फिल्म अभिनेताओं को खो दिया। ऋषि कपूर जी को लंबे समय से कैंसर की बीमारी थी और आज 30 अप्रैल को मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ऋषि कपूर की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में हुआ था। वे राज कपूर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। उन्होंने मुंबई के कैंपेन स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज में अपने भाइयों के साथ पढ़ाई की। ऋषि कपूर की फिल्मी यात्रा 1970 में अपने माता पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से शुरू हुई थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में एक्टर बनने की शुरुआत 1973 में फिल्म बॉबी से की थी। अपने करियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है। उन्होंने 51 फिल्मों में, ऋषि अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई रोमांटिक फिल्में दी। ऋषि ने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 को हुई थी। उनके 2 बच्चे रिधिमा कपूर और रणबीर कपूर हैं। रणबीर कपूर जो एक फिल्म अभिनेता हैं, रिधिमा कपूर एक ड्रेस डिजाइनर है। ऋषि कपूर के इसी हुनर और कलाकारी की वजह से उन्हें 1970 में मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए उन्हें स्पेशल अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। 1974 में उन्हें बॉबी फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2008 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ऋषि कपूर भले ही इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो फिल्मों के जरिए हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेंगे।